हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रमोशन मिक्स का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, इट मींस प्रोवाइडिंग एजुकेट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। देखो, हम जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स क्या कर सके, प्रोवाइड करा सके। तो एडवर्टाइजमेंट का बेसिक मतलब होता है कि अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है, इट रेफर्स टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आप उन वर्ड्स को मेमोराइज कर लो। यहाँ पे पेड फॉर्म, एक हमारा नॉन पर्सनल, और यहाँ पे प्रमोशन ऑफ आइडियाज, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। देखो, जो हम अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एक पेड फॉर्म होती है। जो हमारा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एडवर्टीजमेंट जो करता है वो पैसे देके करता है, ऑब्वियसली पेड फॉर्म होती है। कोई फ्री में तो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती है वो फ्री में तो एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं करेगी। तो एडवर्टीजमेंट क्या होती है, पेड फॉर्म होती है ऑफ नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का यह मतलब होता है कि अब एडवर्टीजमेंट हर बंदा आके, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो, अब देखो पूरे इंडिया में कितनी आबादी है, तो अब मैन्युफैक्चरर क्या है, अब हर बंदे के घर आके थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। इतनी करोड़ों लोगों के घर में आके थोड़ी बताएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वो क्या करता है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या देता है, कस्टमर्स को देता है। तो ये नॉन पर्सनल फॉर्म है कि वो पर्सन टू पर्सन जाके नहीं बोलता, वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट कर देता है। अब यहाँ पे देखो, प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देता है एडवर्टीजमेंट में वो किससे रिलेटेड होती है, इसकी वो जो भी गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है। हम जैसे कई होटल्स रूम के मेक माई ट्रिप वगैरह का जो ऐड आता है वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी जो सर्विस वो दे रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या है, गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ की, जो अपने गुड्स की प्रमोशन करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बनाते हैं कि हमारा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके उनके प्रोडक्ट की तरफ। और इसमें एक आखिरी वर्ड आता है, वो है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जो बंदा एडवर्टीजमेंट करा रहा है वो उसका नाम होता है। अब जैसे मेक माई ट्रिप वाले करा रहे, तो उस ब्रांड का वो एक ब्रांड है जिसका नाम है। एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर एडवर्टीजमेंट कराता है। अब एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है, एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कस्टमर को। और वो एडवर्टीजमेंट कौन कराता है, एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यहाँ पर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मैन्युफैक्चर को बोला गया है। तो ये था एडवर्टीजमेंट का मतलब, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम आते हैं एडवर्टाइजिंग के फीचर्स पे। तो हमारा फर्स्ट फीचर है पेड फॉर्म। अब देखो इनके फीचर्स के पॉइंट्स पढ़ो, सेकंड है इम्पर्सनल, और फोर्थ है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये तीनों मैंने आपको याद हो तो डेफिनेशन में अभी समझाए हैं। मैंने उस टाइम आपको इसलिए डिटेल में ये समझाया था ताकि फीचर्स हम जल्दी से जल्दी कर लें। तो अब हमारा फर्स्ट फीचर आता है पेड फॉर्म। अब मैंने आपको ये बताया कि जो हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं, कोई बंदा एडवर्टीजमेंट फ्री में थोड़ी करता है। देखो टीवी पे जो हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो बेसिकली कंपनी पैसे देती है चैनल वालों को, और एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी इसको क्या देती है, पैसे देती है, और उसके बाद वो हमारी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं होती, वो क्या होती है, वो एक पेड फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा आता है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो कंपनी है वो मुझे आके थोड़ी कहे कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। इंडिया में इतनी आबादी, करोड़ों लोगों के घर घर जाना, उनके गेट खटखटाना और उनको अपना प्रोडक्ट बेचना, ऑब्वियसली वो ईजी नहीं है। और हम हर बंदे के पास जाके अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते। तो हम एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मीन्स होता है जिसके थ्रू हम इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। और इम्पर्सनल होता है क्योंकि हम उनको पर्सनली जाके नहीं बता रहे ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। अब हमारा तीसरा आता है जो हमने डेफिनेशन में नहीं पढ़ा था, वो है स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। देखो जो हमारा एडवर्टीजमेंट का मीन्स है वो बहुत स्पीडी एंड मास होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। हम एक बार टीवी पर एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, एक बार देखते हैं हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा ये कि देखो आप फेसबुक चलाओ या इंस्टाग्राम चलाओ तो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो
अपने एड अपने प्रोडक्ट के क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो अब आप एक बार देखते हो तो आपके दिमाग में एक बार के लिए तो उस प्रोडक्ट का नाम आ जाता है ना. तो वो क्या है, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन होता है एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए. अब हमारा फोर्थ आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जो बंदा हमारी एडवर्टीजमेंट करा रहा है वो मैन्युफैक्चर हमारी कराता है एडवर्टीजमेंट, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. वो जो भी बंदा एडवर्टीजमेंट कराता है उसका कुछ कंपनी में उसकी कंपनी का कुछ नाम होता है मार्केट में, मतलब बहुत अच्छी इमेज होती है, और वही बंदा क्या कराता है, एडवर्टीजमेंट कराता है. तो ये था हमारा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब, कि जो बंदा एडवर्टीजमेंट कराता है उसको हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, और वो इसलिए कराता है ताकि वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. तो ये थे हमारे एडवर्टाइजिंग के फीचर्स. अब हम पढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्शंस, या फिर जिसको हम डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एड्स टू कॉस्ट. देखो, जो हम एडवर्टीजमेंट जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है वो उसके एक्सपेंसेस खुद से बेयर नहीं करती, वो क्या करती है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको ऐड कर देती है. और जब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो उसको एडवर्टीजमेंट की पेमेंट, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ जाता है. कंपनी खुद की पॉकेट से कुछ बियर नहीं करती, उसको जो भी एक्सपेंस आता है प्रोडक्ट के प्रमोशन से या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, तो उसके सारे एक्सपेंसेस वो क्या करती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देती है, जिस वजह से हमारा जो हम कस्टमर्स हैं हमें उसको बियर करना पड़ जाता है. तो ये क्या करती है, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करती है, बढ़ा देती है, और कस्टमर के लिए क्या बन जाता है, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव बन जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है हम लोगों के लिए. अब हमारा दूसरा आता है वो है अनडिटरमाइंड सोशल वैल्यू. तो देखो, ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट बंदे की नीड को बढ़ाती है. देखो, जब भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारा फिर मन कर जाता है उसको खरीदने का. तो उससे क्या होता है कि हमारी नीड्स क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं. अब देखो, और ये पॉइंट ये भी कहता है कि हमें ना एडवर्टीजमेंट की वजह से हमें शो ऑफ करने की आदत पड़ जाती है, हम दिखावे में चले जाते हैं, क्योंकि हम एड्स ऐसे देखते हैं कि भाई अगर हमने ये लगाया, हमने ये परफ्यूम खुद पे छिड़का, तो क्या होंगे, गर्ल्स अट्रैक्ट होंगी. ऐसा कुछ तो ऑब्वियसली नहीं होता. तो एडवर्टीजमेंट, और ये भी देखो, एडवर्टीजमेंट में ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता. और ये भी देखो कि अगर मान लो ये दिखाते हैं, अगर आपके पास आईफोन है या BMW में जा रहा है तो आपका अलग ही स्टैंडर्ड होगा. यार, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. तो इससे क्या होता है कि क्या करते हैं कि हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, कि भाई ऐसा कुछ जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है. तो ये था हमारा अनडिटरमाइंड सोशल वैल्यू, कि भाई हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो पर्सन की नीड को बढ़ा देती है और वो शो ऑफ की दुनिया में ले जाती है. अब हमारा तीसरा आता है कन्फ्यूजिस द बायर. अब देखो, जब भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हमें हर एडवर्टीजमेंट अपनी टुवर्ड्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. अब मैंने किसी दो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखी, ये पी नूडल्स की देखी, मैंने मैगी की देखी. अब देखो, अब मैं दोनों में कन्फ्यूज़ रहूँगी, दोनों की एडवर्टीजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं कन्फ्यूज़ रहूँगी कि मैं ये पी को खरीदूँ या मैं मैगी नूडल्स को खरीदूँ. तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है. अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है एनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स. अब देखो, आज के टाइम में जो भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है. तो अब हम कोई इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स बेच रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो अपनी एडवर्टीजमेंट ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे उसका प्रोडक्ट तो पता नहीं कितना ही अच्छा है. तो इन्फीरियर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उन प्रोडक्ट की प्रमोशन, उन प्रोडक्ट की सेल को क्या करता है, एनकरेज करता है, क्योंकि वो उनकी एडवर्टीजमेंट दिखाता ही ऐसे है कि कस्टमर को लगता है कि भाई इसकी तो क्वालिटी पता नहीं कितनी अच्छी है, ऑल्दो उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं होती. अब हमारा लास्ट डिसएडवांटेज आता है वो है सम एडवर्टीजमेंट आर बैड इन टेस्ट. इसका एग्जांपल आप परफ्यूम्स की एड देखते हो, उसमें दिखाते हैं अगर आपने ये परफ्यूम खुद के ऊपर स्प्रे की तो आपकी तरफ लड़कियां चिपक जाएंगे, या खुद सोचो क्या ये चीज़ पॉसिबल है. दूसरा, ये मैंने उसमें देखा था कपिल शर्मा शो में, वो जब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था तो उसमें वो बता रहा था कि हमारे जो इनरवेयर्स होते हैं उसमें दिखाते हैं लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं, फिर वो ऐसे आता है पहाड़ों पे से कूद कूद के, फिर कहता है ये वाला मैंने तो ये पहना था इसलिए मैंने किया. यार ऑब्वियसली बताओ वो चीज़ है क्या, ऑब्वियसली फालतू की बकवास भरी हुई है. तो कहता है एडवर्टीजमेंट आर बैड इन टेस्ट, फॉल्स नेचर की होती है, क्योंकि वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है. तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस एडवर्टीजमेंट के. एडवर्टीजमेंट की सिर्फ इम्पॉर्टेंस बची है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. तो बाय.